फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो होगा जिसको हम कह सकते हैं संगीत अभ्यास को लेकर जो शुरुआत में कॉमन सवाल पैदा होते हैं उन सवालों के कन्विंसिंग जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा। कई लोग ये पूछते हैं कि सर, मेरे पास ना कोई कीबोर्ड है ना कोई हारमोनियम है, तो क्या मैं रियाज कर पाऊंगा? अगर आपके पास हारमोनियम और कीबोर्ड हैं तो रियाज करना ज़्यादा एडवांटेजेस होता है, लेकिन अगर नहीं है तो भी संगीत अभ्यास की रियाज आपकी रुक नहीं पाती, ये भी मैंने मुमकिन कर दिया है। मेरे वीडियोस आप देखोगे तो उसमें जो क्रम से पाठ दिए गए हैं उनको मैं पहले बजाता हूँ, गाता हूँ, जो सुनकर आपको वैसे मैच करना होता है, और अगले 5 राउंड्स पे मैं सिर्फ बजाता हूँ। जब आपको वो पाठ करना होता है तो इससे आप हारमोनियम के सुर सुन रहे हो, मैच कर रहे हो और रियाज कर रहे हो। ये आप मेरे वीडियोस की जो लिंक्स मैं आपको भेजूंगा वो ओपन करके उन वीडियोस पे रियाज कर सकते हो। दूसरा सवाल, एक अच्छा गायक बनने के लिए कितना रियाज करना पड़ेगा और कब तक करना पड़ेगा? कोई भी परफेक्ट गायक कभी नहीं होता, हर पल हर वक्त इम्प्रूवमेंट्स होती रहती है, और ये संगीत अभ्यास करने वाले विद्यार्थी कुछ नया नया सीखते रहते हैं, रियाज कभी ख़त्म नहीं होती। तीसरा सवाल, अच्छा गायक बनने के लिए क्या रियाज हर दिन करना ज़रूरी है? जी हाँ, अच्छा गायक बनने के लिए हर दिन रियाज करना ज़रूरी है। आपने कोई जिम ज्वाइन कर ली बॉडी बिल्डिंग के लिए और वेट लिफ्टिंग शुरू कर दिया या वो ट्रेडमिल पे चलना शुरू कर दिया, तो आप में वो स्ट्रेंथ कायम रखने के लिए आपको वो हर दिन करना पड़ता है ना। मान लो आपने एक हफ्ते छुट्टी कर ली और नेक्स्ट डे आप जब जाते हो तो स्ट्रेंथ थोड़ी कम पाते हो ना, कुछ उसी तरह संगीत अभ्यास में भी है। आपके रियाज से हर दिन आपकी आवाज़ स्ट्रांग होती रहती है और वो स्ट्रांग आवाज़ आपकी मेंटेन होने के लिए रोज़ रियाज करना ज़रूरी है। चौथा सवाल, रियाज कितने घंटे करनी चाहिए, कितने घंटे आप कर पाओगे, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप अच्छा गायक बनना चाहते हो, रियाज करना ज़रूरी है, रोज करना ज़रूरी है, तो कितना वक्त दे पाओगे? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, आप जितना दे पाओगे बात अच्छी है, लेकिन नियमित होना ज़रूरी है। 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, यह है अगला सवाल। हर दिन किस पाठ का अभ्यास होना चाहिए? आप बिगनर हो, आपके सुर जब तक ठीक मैच नहीं हो पाते तो शुरुआत के जो पाठ है उसी को करना ज़रूरी है। एक बार आपको सुर मैच करना आया तो आगे जाकर अलग अलग जो वॉइस टेक्निक्स होती है, वॉइस डायनामिक्स होती है, उनकी रियाज शुरू हो जाती है, और आप अच्छे ट्रेन जब हो जाते हो तब भी रोज़ाना रियाज ज़रूरी है। इस लेवल पे आप प्रतिदिन कोई नया नया पाठ रियाज ज़रूर करें। यह है अगला सवाल, रियाज करने से
क्या फ़ायदे होते हैं? रियाज करते समय आपकी चार प्रकार की तैयारी होती है, आपकी सांस की शक्ति और नियंत्रण स्थिर होने लगता है, आपके गले की पेशियां गायकी के उतार चढ़ाव को सहजता से झेलने तैयार होती है, आपके कान और दिमाग स्वर को प्राकृतिक रूप में पकड़ पाने में समर्थ होने लगते हैं। प्रतिदिन के रियाज से आपका मन और आंतरिक सोच गायकी के लिए ज़रूरी धैर्य, एकाग्र चित्तता, पवित्रता और सकारात्मकता लाती है। तो फ्रेंड्स, इतने सारे फायदे जब संगीत अभ्यास के रियाज से हो सकते हैं, तो संगीत अभ्यास की रियाज प्रतिदिन करना ये तो अच्छी बात है ना? तो जुड़ जाइए मेरे चैनल से, और आपको सही दिलचस्पी हो तो मुझे फ़ोन करके किस क्रम से आपको रियाज करनी है, किस पाठ की रियाज करनी है ये पूछिए, मैं आपको उन पाठों के लिंक्स ज़रूर भेजूंगा आपके व्हाट्सएप नंबर पर। ऑल दी बेस्ट फ्रेंड्स, ऑल दी बेस्ट फॉर योर सक्सेस। बहुत सारे संगीत प्रेमियों से बातें करने के बाद मुझे ये समझ आया है कि संगीत प्रेमी YouTube पर अलग अलग चैनल्स देखकर संगीत अभ्यास करने की कोशिश करते रहते हैं, और उसमें कोई क्रम न मिल पाने के कारण कंफ्यूज्ड रहते हैं। ये मैं आपके लिए गाइडलाइंस दे रहा हूँ, जो बिगनर्स हैं या जो हारमोनियम बजा लेते हैं या गा लेते हैं लेकिन कुछ कन्फ्यूजन अभी भी है, उनके लिए ये गाइडलाइंस बड़ी महत्वपूर्ण है। आप जब शुरुआत करते हो, अब इसमें दो भाग हैं, आप में से जो हारमोनियम या कीबोर्ड बजाना सीखना चाहते हैं वो बजाने की एक रियाज और गाने की एक रियाज, ऐसी दो रियाजें करें। बजाने के रियाज में ये एडवाइसेबल है कि आप काली चार मध्य सा इस पट्टी में सारे अभ्यास करें। ये पट्टी में अभ्यास करने से दूसरी पट्टियां बजाना आसान हो जाता है। तो काली चार में जो हारमोनियम या कीबोर्ड बजाना सीखना चाहते हैं वो पहले सारे शुद्ध स्वर, सारे ग म प ध नी सा, ये दो ऑक्टिव्स यानी दो सप्तक बजाने की कोशिश करें, बजाने का अभ्यास करें। अब मेरी ये उंगलियां देखिए, ये उंगलियां आप इस्तेमाल करते हो तो आगे जाकर आप जब तेजी से कोई पैटर्न बजाना है या कंपोजिशन बनाना है तो वो आपको आसान रहेगा। ये देख लीजिए, पहले दिन आपको क्या करना है, सिर्फ बजाना है, यहां से शुरू हुआ है तार सप्तक,
और एक बार देख लीजिए। ये हुआ हारमोनियम या कीबोर्ड बजाने का अभ्यास। जो गाना चाहते हैं वो काली चार का मध्य सा यहाँ से शुरुआत करके तार सप्तक के ग तक अभ्यास करें। सा ये करना ठीक तरह से आ जाने के बाद, आप कॉन्फिडेंट हो जाने के बाद बजाना और गाना यही है, लेकिन रे स्वर को कोमल करना है। तो आगे देखिए क्या करना है। ये रहा बजाने का पाठ। इसमें हमने रे कोमल बजाया। अब गाने वाले क्या करेंगे, रे कोमल गाएंगे। सा रे ग म ध नी सा रे ग ग रे सा नी ध म म ग रे सा। इसमें आप कॉन्फिडेंट हो जाने के बाद ग स्वर को कोमल करना है। ये रहा बजाने का पाठ। अब गाने का पाठ देख लीजिए। सा रे ग म प ध नी सा रे ग ग रे सा नी ध म म ग रे सा। इन पाठों में कॉन्फिडेंट फील करने के बाद म स्वर को तीव्र करना है। ये रहा बजाने का पाठ। अब सुनिए गाने का पाठ। सा रे ग म प ध नी सा रे ग ग रे सा नी ध म म ग रे सा। इन पाठों में कॉन्फिडेंट फील करने के बाद ध स्वर कोमल करना है। ये रहा बजाने का पाठ। Thank you.
अब देखिए गाने का पाठ। सारे इन पाठों में कॉन्फिडेंट फील करने के बाद नी स्वर कोमल करना है। ये रहा बजाने का पाठ। अब देखिए गाने का पाठ। सारे गा पा धा नी सा रे गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा। इन पाठों को करके आप संगीत भाषा के जो 12 स्वर होते हैं उनको अपनी काबू में कर रहे हो, और जब ये 12 सुर आपके काबू में आ जाते हैं तो संगीत अभ्यास के और बहुत सारे पाठ जो हैं वो आप करने के लायक बन जाओगे। जब तक वो काबिलियत नहीं आती तब तक यहाँ वहाँ ये पाठ वो पाठ करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अब अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो मुझे बेझिझक फ़ोन कीजिए, मैं आपको सही मार्गदर्शन भी दूंगा और मेरे YouTube वीडियोस के लिंक्स भी WhatsApp पे भेजा करूंगा, जिससे आपको संगीत अभ्यास में आनंद मिल पाएगा और आपकी इम्प्रूवमेंट्स जल्द हो पाएगी। आप नए से संगीत अभ्यास शुरुआत कर रहे हो या आपके कुछ लेसन्स कुछ एक्सरसाइजेस हुए हो, सभी विद्यार्थी ये 6 स्लाइड्स पे दिए हुए क्रम से संगीत अभ्यास में आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान सिर्फ इस बात पर रहे कि आपका जब तक पहला लेसन पक्का नहीं होता तब तक अगले लेसन पे आपको जाना उचित नहीं होगा। आप करते हुए लेसन में आप पक्के हुए हो या नहीं ये आप खुद समझ सकोगे। आप देखोगे ये वीडियो का टाइटल लिखा हुआ है जिसके सामने वो वीडियो की लिंक यानी के URL दिया हुआ है। YouTube सर्च में जाकर आप ये URL टाइप करके जब एंटर करोगे तो वो पर्टिकुलर वीडियो ओपन हो जाएगा। उस वीडियो पर जहाँ से रियाज की शुरुआत होती है वहाँ से आप रियाज शुरू कर सकते हो। ऐसा कई विद्यार्थियों ने किया हुआ है और कर रहे हैं, उनकी प्रगति भी हो रही है, आपकी भी होगी। इस वीडियो के बारे में या संगीत अभ्यास के बारे में आपको कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कभी भी मेरे मोबाइल नंबर 8879183901 पर फ़ोन कर सकते हो। मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा।